देखें, आप समझ गए ये क्या है, ये वो आवाज़ है जो हमेशा पीछे बैकग्राउंड पे हमेशा चलती रहेगी। तो आपने क्या करना है कि कितनी आवाज़ रखनी है, बिल्कुल बारीक सी, कि आपके कानों को बुरी ना लगे, आप ज़्यादा देर चला सकें। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो आप नहीं चला सकेंगे। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इक्विनेक्स 600 की ट्रेनिंग वीडियो है। इससे पहले हम इक्विनेक्स 600 का रिव्यू कर चुके हैं, एयर टेस्ट कर चुके हैं और डिटेल में इसके फंक्शन फीचर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक लगा लेता हूँ, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम इसके कंप्लीट हम इसको ऑपरेटिंग देखेंगे कि जो फंक्शंस हैं फीचर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और इंशाल्लाह एक फिज़िकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे कि प्रोडक्ट का आईडी वगैरह किस तरह हम उसको मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। अब हमने कैमरे को अपनी जगह के ऊपर सेट कर लिया है ताकि आप तमाम चीज़ें क्लियरली देख सकें। अच्छा, ये इसका ऑन का बटन है, ये भी हमने डिटेक्टर ऑन हो रहा है। अच्छा, डिटेक्टर अब ऑन हो चुका है। मैं इस बटन की बात करता हूँ, ये इसकी लाइट है, ये देखें लाइट ऑन हो चुकी है अब, ठीक हो गया, ताकि अब आपको क्या है क्लियरली दिखाई देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले इस बटन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, ये मोड होते हैं, देखें ये तकरीबन 3 3 6, हर एक मोड के आगे 2 मोड है, ये एक नंबर, ये 2 नंबर, ठीक हो गया, ये एक नंबर, ये 2 नंबर, ये एक नंबर, ये 2 नंबर, ये टोटल 6 मोड है। आपको कौन सा मोड अच्छा लगता है आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। ज़मीन के ऊपर 6 के 6 मोड लगाएं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले ये तो मैं आपको बता दूं, ये बीच मोड है, अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली है या कुछ इस तरह है तो ये इसके ऊपर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अलबत्ता अभी हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, मैं इस बटन के ऊपर बात करता हूँ, ठीक हो गया, एक मिनट। अच्छा, ये वाला जो बटन है ये होता है ऑल मेटल। ऑल मेटल का मतलब होता है ये जो चीज़ लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये मेटल की इंडिकेशन है कि इसमें जब भी कोई चीज़ आएगी तो उसके हिसाब से मेटल आगे इसमें ब्लिंक करेगा, ठीक हो गया। अगर ये सब कुछ ऑन है तो इसका मतलब है ये सारी दाँतें करेगा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कॉपर, अल्मोनियम, जितनी भी दाँतें सब दाँतें करेगा, ठीक हो गया, ये ऑल मेटल मोड है। अलबत्ता का हम जो दूसरा मोड, जिस तरह अभी ये वाला जो मोड था, ठीक हो गया, या ये वाला जो मोड है उसमें ये सारे ऑल मेटल मोड नहीं काम करता, ठीक हो गया। मतलब ये देखें, मैंने रिमूव कर दिया, ऑल मेटल मोड लगता भी इसी से और हटता भी इसी से, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आप अगर मिसाल के तौर पे अभी हम इस मोड के ऊपर रख के काम करते हैं, ठीक हो गया। अब आप आगे देखें, ये सेटिंग का बटन है, ये सेटिंग क्या होगी, ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ठीक हो, ये देखें इसने ऑटोमेटिकली ये जो आसपास जो बिजली की वजह से आपका डिटेक्टर डिस्टर्ब हो रहा है ये उसको कंट्रोल करने के लिए है, ठीक हो गया। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्राउंड बैलेंस की सेटिंग है, ये जब यहाँ पे आता है, यहाँ से आप यूँ ये बटन दबा के छोड़ेंगे नहीं, उसको दबा के आप ज़मीन की तरफ पंप करेंगे, ठीक हो गया। ये जिस तरह मैं भी थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पर हल्का सा मैं आपको देखिए, देखें ये पंप कर रहे हैं, बस ये आप करके इसको छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली ये, और यहाँ पे एक वो फ्लैश सी भी जलेगी, यहाँ पे यूँ यूँ लिंक ब्लिंक भी करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये है वॉल्यूम, आप जितनी आवाज़ खोलना चाहें, 25 तक इसके पास ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से आवाज़ इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, देखें आप तो समझ गए ये क्या है, ये वो आवाज़ है जो हमेशा पीछे बैकग्राउंड पर हमेशा चलती रहेगी। तो आपने क्या करना है कि कितनी आवाज़ रखनी है, बिल्कुल बारीक सी, कि आपके कानों को बुरी ना लगे, आप ज़्यादा देर चला सकें। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो आप नहीं चला सकेंगे। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जो ज़ेरे ज़मीन टारगेट है, जिसका वीक सिग्नल होता है, कमज़ोर सिग्नल होता है, तो थ्रेशोल्ड की मदद से जब आपने थ्रेशोल्ड ऑन किया होगा तो वो जो कमज़ोर सिग्नल है वो आप उसको पहचान कर सकेंगे। इस आवाज़ में जब तब्दीली आएगी उस आवाज़ की वजह से आप तब्दील कर सकें, आप पहचान कर सकेंगे। अगर आप ये आवाज़ बंद कर देते हैं तो जो कमज़ोर सिग्नल होता है वो डिटेक्टर डिटेक्ट तो कर रहा होता है लेकिन आपको नहीं बता पाता, क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड ही बंद किया होता है। तो थ्रेशोल्ड हल्का सा चलना ज़रूरी है, ठीक हो गया। इसी तरह ये आगे, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये ट्यून आईडी है कि आपको अपने जो ऑब्जेक्ट की जो टारगेट है उसकी कैसी आपको आवाज़ चाहिए या जो भी है उसके हिसाब से टारगेट की वो ट्यून है, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक हो गया। अब देखें मिसाल के तौर के ऊपर, ये देखें ये -5 ये जा रहा है, ये -4, ये -2, ये 0, ये 1, 2 सॉरी
ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं चांदी का नंबर बंद करूँ, मिसाल के तौर पर चांदी का नंबर हम कहते हैं 15 से 18 तक चांदी आती है, तो आप 15 के ऊपर जाएँ टिक लगाएँ, 16 के ऊपर जाएँ क्रॉस लगाएँ, 17 पे जाएँ क्रॉस लगाएँ, 18, यानी कि ये देखें 15 से लेकर 18 तक नंबर बंद हो गए हैं। अब यानी कि 15 से 18 के दरमियान पर जो भी मेटल होगा उसके ऊपर नहीं बोलेगा, ठीक हो कि ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जो है वो रिकवरी स्पीड है कि जो टारगेट है। नेक्स्ट जो आता है यह रिकवरी स्पीड कि आपको जो ट्यून है वो जो जब चीज़ को टारगेट को आइडेंटिफाई हो जाता है, टारगेट डिटेक्टर डिटेक्ट कर देता है कितनी स्पीड में वो आपको आपस में वापस रिएक्शन करता है। इसका आप घर में चुपचाप एक्सपेरिमेंट करके, इसको आप कम भी रख के एक्सपेरिमेंट करें, आपको ज़्यादा करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ होती है जो बता के बयान नहीं की जा सकती। आप जब इसको प्रैक्टिकल खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा ये तो चीज़ होगी, मैंने ये आपको सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी इसके अंदर जो जो फंक्शंस थे, ठीक है, और मैंने आपको मोड का भी बता दिया इसका, इसके अलावा ये ऑल मेटल का भी बता दिया, इसका भी मैंने आपको बता दिया। ये पिन पॉइंटर है, देखिए पिन पॉइंटर एक्टिवेट हो गया, ये वाला जो निशान था ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। ये किस काम आता है, ये ऐसा होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट इस एरिया में चीज़ है, तो उसको आप इसकी हेल्प से पिन पॉइंटर की मदद से आप उसको एग्जैक्ट लोकेट कर लेते हैं कि यार इस जगह से खुदाई करो, या खुदाई करने के बाद इस जगह से मज़ीद खुदाई करें, ताकि ना कि छोटे से चीज़ के लिए, इन शॉर्ट ये आपका टाइम बचाता है। अच्छा अच्छा ये जो चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी है कि इसमें 5 kHz भी है, 10 kHz भी है, 15 kHz भी है, मल्टी भी है, ठीक हो गया। ये सारे इस फ्रीक्वेंसी इसके साथ काम करते हैं। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको ये बताता चलो, ये इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता चलो, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी गहराई कम होगी, लेकिन वो छोटी चीज़ के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो गहराई ज़्यादा होगी, लेकिन वो छोटी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगी। इसका ये वाला जो बटन है ये इसका उसका ब्लूटूथ का है, जो कि इसके साथ जो वायरलेस हेडफोन है तो वो इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, इसके साथ वायरलेस हेडफोन लग सकता है, ठीक हो गया। तो ये तमाम इसका फंक्शन और फीचर मैंने भी आपको एक्सप्लेन की नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फिज़िकली एक प्रोडक्ट का एक डेमो कर देते हैं, ताकि आपको लोहा और सोना और चांदी के नंबर्स का आइडिया हो जाए। अच्छा अभी हमने ज़मीन के ऊपर देखे, आपने हमने कील रखी हुई है, मैं सबसे पहले आपको आयरन का डिस्क्रिमिनेशन दे आयरन का मैं आपको टेस्ट दे देता हूँ कि लोहा किस तरह होता है। देखिए मैंने अभी आपसे जिक्र किया था ना कि ये ऑल मेटल है, अब ये मैं ऑल मेटल दबा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऑल मेटल दबा दिया, अब ये देखें ये साउंड कर रहा है, ठीक हो गया। अब मैं एक मिनट में सेटिंग से जाके इसका वॉल्यूम देख लेता हूँ, अब मैंने वॉल्यूम ऊंचा कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ऑल मेटल के ऊपर ये देखें, ये ऑल मेटल है, ठीक है ठीक है। अब मैं अगर ऑल मेटल हटाता हूँ, लोहे के ऊपर कोई आवाज़ नहीं है, लोहा बंद हो गया, ठीक हो गया। आप देख रहे कि लोहा बंद हो गया, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि क्यों लोहा बंद हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर बंद हुए हैं, ठीक है, इसलिए लोहा बंद हुआ है। अगर जब ऑल मेटल में ये भी आ जाता है तो फिर ये लोहा डिटेक्ट करता है, क्योंकि ये सारे नंबर एक्टिव हो गए, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ बताने की, दूसरी चीज़ इस टाइम अभी हमारे पास एक चांदी की अंगूठी भी है और एक ये सोना भी है, और ये सोने के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि ये जो सोना है ये प्योर सोना है, खालिस सोना है, जो हमारे घरों में होता हुआ उसमें 22 कैरेट 21 कैरेट उसमें मिलावट हुई होती है। ये जिस सोने का टेस्ट करें ये खालिस सोना है, और इसका नंबर जो है वो अलग आएगा, जो आपका जो आपके घर में सोना है उसका अलग नंबर आएगा, इसका अलग नंबर आएगा। अब चांदी के ऊपर आप देखें ये 25 26 25 26 27 नंबर है, 25 26 नंबर है, ठीक है। इस तरह इस सोने का नंबर देखें 28 नंबर आ रहा है, 28 नंबर है इसका, ठीक हो गया। ये क्यों है, इसके अलावा मैं अगर आपके घर में जो सोना है उसका अलग नंबर होगा, क्यों, उसका कैरेट अलग है, तो जून जून जो है, और यहाँ तक के जो सऊदीया का सोना है, जो पाकिस्तान का सोना है, उसमें भी फ़र्क है, क्योंकि जिस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट की जाती है, जो चीज़ इसमें मिलाई जाती है सोने में, उसकी वजह से फ़र्क आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।